बिजनौर के नूरपुर थाना इलाके में एक सप्ताह पूर्व फरार हुई युवती की बरामदी को लेकर परिजनों ने थाना प्रभारी का घेराव कर हंगामा किया। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए लड़की की बरामदी की पुलिस से गुहार लगाई। मामला दो समुदाय से जुड़े होने की वजह से अधिक गंभीर है। बता दें कि बीती 10 अप्रैल को मोहल्ला रविदास नगर की युवती काशिफा पुत्री शमीम अपने पड़ोसी रविंद्र पुत्र इंदु के साथ दोपहर को 1 बजे परिजनों की आंखों से बचकर दोनों प्रेमी जोड़े कस्बे से फरार हुए थे। लड़की पक्ष के परिजनों के दबाव में युवक के परिवार वाले फरार लड़की को अपनी रिश्तेदारी में ढूंढने को कहकर गुमराह कर रहे थे। 3 दिन बीत जाने के बाद भी युवती न मिलने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करने पर परिजनों में रोष बढ़ गया, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के दर्जनों महिला पुरुष व हिंदू समाज के काफी लोग फरार लड़की की बरामदी को लेकर थाने का घेराव किया। भीड़ में युवती की मां नईमा ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। किसी प्रकार पुलिस ने महिला से केरोसिन तेल से भरे कैन को छीन लिया। थाने में जबरदस्त हंगामे को देख कोतवाल ने 2 दिन का समय मांगा, जिस पर परिजन शांत हुए। उधर एसपी सिटी एमएम बैग ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 1 बजे से गायब हुई है, घर से निकली हुई है और मैं पुलिस में भी गई, मेरी मदद नहीं, दूसरी धर्म का लड़का है, अगर मेरी मदद ना हुई, मेरी लड़की मुझे ना मिली तो मैं आज थाने में आत्महत्या करके जान दे दूँ। मुझे लड़के से कोई मतलब नहीं है। इसमें एक युवक एक युवती भागे हुए हैं, परिवार से तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द लड़की सामने लाके और उसका बयान वगैरह करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हम लोग शीघ्र करेंगे।